नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। एक ओर सरकार विकास के दावे कर रही है और दूसरी ओर सरकार का विकास भर भरा कर गिर रहा है। बिहार में एक बार फिर से एक निर्माणाधीन पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अररिया में बकरा नदी पर बन रहा पुल देखते देखते धराशायी हो गया। पुल का एक हिस्सा नदी में समा गया और उसके तीन पाए पानी में बह गए। जिस पुल पर आवागमन के लिए सालों से लोग इंतजार कर रहे थे, वो निर्माण के दौरान ही ध्वस्त हो गया। मिली जानकारी के अनुसार सिकटी प्रखंड स्थित बकरा नदी पर 12 करोड़ की लागत से पडरिया पुल का निर्माण किया जा रहा था और मंगलवार को पुल के तीन पिलर नदी में धंस गए और पुल गिर गए। पुल निर्माण करने वाली एजेंसी के लोग मौके पर पहुंच गए और प्रशासन की टीम भी आ गई। सिकटी विधायक विजय मंडल के अनुसार जिले के ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से ये पुल तैयार किया गया था। जमीन पर ही पिलर गाड़कर तैयार किया गया था, अप्रोच रोड ही नहीं बना था। करीब 12 करोड़ की लागत वाली करीब 100 मीटर का ये पुल था और इसका उद्घाटन नहीं हुआ था, पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं था। बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा। पिछले साल ही जून में सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बन रहा पुल गिर गया था। उसके बाद इस साल मार्च में सुपौल में कोसी नदी पर बन रहे पुल का स्लैब गिर गया, इससे एक मजदूर की मौत हो गई और अब अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर बना पुल भी गिरकर ध्वस्त हो गया। 2023 के जून महीने में भी भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बन रहा पुल गिर गया था। बताया ये जाता है कि इस पुल की लागत पहले 600 करोड़ थी और बाद में पुल की लागत बढ़कर 1700 करोड़ हो गई थी। इससे पहले भी पुल 2022 में गिर गया था। बिहार के सुपौल में भरतमाला प्रोजेक्ट के तहत कोसी नदी पर बन रहा देश का सबसे लंबा पुल, एक पुल पर ये बड़ा हादसा हुआ और स्लैब गिर गया। इस हादसे में भी एक मजदूर की मौत हो गई थी और 10 लोग जख्मी हो गए थे। तो ये तमाम खबरें आई, उसके बावजूद भी अब जाकर अररिया में भी ऐसी खबर सामने आती है और एक बड़ा हादसा हो जाता है, पुल जो है वो भरभराकर गिर जाता है। ऐसे में सवाल तो उठेंगे। ये तमाम जानकारी जुटाई है हमारे सहयोगी अमरेंद्र सिंह ने। आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है? क्या आप सरकार के विकास के दावों से संतुष्ट हैं या फिर लगता है कि सरकार जितना गिनाती है उतना कर नहीं रही है? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।